Hello everybody, welcome to the next video in this series of Law of Attraction. और आज का हमारा टॉपिक है अबंडेंस. जी हाँ, अबंडेंस मतलब प्रॉस्पेरिटी, भरपूरता, हर चीज अधिक मात्रा में जो आप इजिली एंड एफर्टलेसली अपनी लाइफ को जी पाओ. अगर आप मुझे नहीं जानते, माई नेम इज अर्शदीप कौर सिद्धू एंड पीपल कॉल मी वंदनारी. मैं एक लाइफ कोच हूँ एंड आई हेल्प पीपल हाउ टू क्रिएट अ लाइफ ऑफ देयर ओन ड्रीम्स बाय डेवलपिंग अ कनेक्शन विद देयर इनर डिवाइन. इस सीरीज में जो पहले के वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखे तो फर्स्ट कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. सो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस बिफोर यू फॉलो दिस वन. ओके, तो आज का टॉपिक है अबंडेंस. अबंडेंस हमारी लाइफ में जब होती है तो हमारा मेंटल स्टेट क्या होता है, हमारे अंदर फीलिंग्स क्या चल रही होती है, और अबंडेंस जब नहीं होती है तब हमारी लाइफ में क्या होता है. इन दोनों चीजों को समझेंगे और कौन सी एक्सरसाइज है जो हमें करनी है अपनी लाइफ में अबंडेंस को बढ़ाने के लिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले लैक ऑफ अबंडेंस क्या होता है. लैक ऑफ अबंडेंस मतलब हमारा हमेशा फोकस लैक पर, कि मेरे पास ये नहीं है. अगर मेरे पास ये होता, अगर मुझे अच्छी एजुकेशन के मौके मिलते तो शायद मैं लाइफ में कुछ बड़ा करता. अगर मुझे कोई पैसे में सपोर्ट कर देता तो शायद आज मैं अपना वो बिजनेस सेटअप कर लेता. अगर मुझे बहुत प्यार मिलता तो हो सकता है कि मेरी रिलेशनशिप मधुर होते और मैं भी दूसरों को प्यार दे देता. ये लैक का माइंडसेट है. दूसरी तरफ अबंडेंस, चाहे आपकी कोठड़ी में, हमारे बचपन में कहते थे कि कोठड़ी में चाहे चार दाने हो लेकिन अपने अंदर ये रखो कि मेरे पास बहुत कुछ है. चार दानों के साथ भी आप चार लोगों के या 40 लोगों का पेट भर सकते हो. कैसे? क्योंकि आपका माइंडसेट अबंडेंस का है. एक छोटी सी स्टोरी आप सबने सुनी होगी, मुझे अभी याद आई, सुदामा और कृष्ण की. सुदामा के घर में दाने नहीं थे, अनाज नहीं था, लेकिन फिर भी उनका जो माइंडसेट था वो इस तरीके से था कि अगर उनको एक दाना भी मिला है वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं खुद से पहले अपने परिवार का या खुद का पेट भरूं. वो पहले उस एक दाने में से आधा तोड़ के प्रभु को अर्पण करेंगे. क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे कि ये भी भरपूर मात्रा में है और वो अर्पण करते हैं एंड उसी से उनकी लाइफ अबंडेंस से भर जाती है, बिना प्रभु से मांगे, बिना प्रभु को बोले. सो इसी तरीके से हमारी लाइफ भी होती है. जब हमारे पास दो दाने हैं और हमें किसी का फोन आ गया कि हम आपके घर आने वाले हैं, तो इस चीज पे फोकस ना करके कि हाय वो तो ऐसे सोचेंगे मैं उनको क्या खिलाऊं क्या नहीं खिलाऊं, इस चीज पे फोकस करना कि कोई बात नहीं, जो मुझे भगवान ने दिया है उसमें से मैं उनको भी परोसूंगा, उनको भी खिलाऊंगा. इसी अबंडेंस माइंडसेट से आपके घर में, आपकी लाइफ में अबंडेंस भरती है. अब अबंडेंस की एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि जब इस अबंडेंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ में अपने आप लैक का माइंडसेट आने लगता है. तो आज सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं. सबसे पहले लिखिए आपकी लाइफ में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि इनफ नहीं है और चाहिए. अच्छी हेल्थ हो सकती है, काम करने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग हो सकते हैं, हो सकता है आपको चाहिए कि और लोग हों आपको हेल्प करने वाले. आपके बैंक बैलेंस हो सकता है आपको और चाहिए, कारें शायद आपको और चाहिए. वो सभी चीजें जहां पर आपको लगता है कि कहीं कमी है वो सब फ्लश आउट कीजिए अपने हेड से. कैसे? 3 P's को यूज करके. अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता 3 P's क्या है, तो पेन, पेपर एंड पानी. पेपर मतलब डायरी जो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए लगा रखी है, जिसपे आप ये सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हो. तो उसमें आप लिखिए कि आपका माइंड कहाँ कहाँ लैक पर फोकस करता है और आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीजें ऑलरेडी लैक कर रही है. इसके बाद आप देखिए कि जो जो आपने लिखा है वो इतना भी कम नहीं है कि आपकी या दूसरों की जरूरतें पूरी ना कर सके. जैसे मान लीजिए आपके अभी 10,000 महीने की तनख्वाह है, आपको लगता है कि 10 लाख होनी चाहिए, लेकिन क्या ये 10,000 से आप अपने परिवार की बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहे हो? हो सकता है कि आने वाले समय में जो बड़ा खर्चा है, बच्चों की फीस है, बच्चों की शादी है, भाई बहन की शादी है, नया घर लेना है, नई कार लेनी है, हो सकता है ये पैसा उसके लिए इनफ ना हो. लेकिन क्या अपने
परिवार के बेसिक सर्वाइवल के लिए पैसा इनफ है, सफिशिएंट है? अगर है तो उसके साथ में लिखिए, आई हैव मनी इन अबंडेंस, मेरे पास भरपूर मात्रा में पैसा है। अब दूसरा, अगर आपके पास कोई वाहन नहीं है, अगर वाहन नहीं है तो अभी आप कैसे ट्रांसपोर्ट करते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाते हो? हो सकता है किसी से शेयर करके, हो सकता है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही जाते हो। लेकिन लैक के टाइम आप उसको लैक में ना सोच के अब अबंडेंस में उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे कि मेरे आस पास बहुत सारा जो भी साधन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या शेयर करने वाले हैं वो लिख सकते हो कि बहुत सपोर्टिव गवर्नमेंट है, बहुत सपोर्टिव लोग हैं जो मुझे मेरे ऑफिस तक पहुंचाते हैं या जहां भी उस वाहन से आप जाना चाहते हैं। अब बैंक बैलेंस की बात करते हैं। बैंक बैलेंस बहुत बड़ी मिथ होती है, हमें लगता है कि सिक्योरिटी, लाइफ सेविंग, कि अगर हमारे बैंक खाते में बहुत सारी FDs रहेंगी, हमारे घर में बहुत सोने जेवरात रहेंगे तो वो हमारी लाइफ को अबंडेंस से भर देंगे। बट ऐसा है नहीं। अगर आपका तब भी माइंडसेट वही रहा तो आप चाहे करोड़पति बन जाओ, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, आपका माइंडसेट वही कंगाल वाला ही रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले माइंड को हमें अबंडेंस से भरना है। तो आपके पास चाहे FTs नहीं हो, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो आपको पैसा आ जाता है। वो चाहे जॉब से मिला हुआ बोनस हो, किसी अच्छे क्लाइंट से मिली हुई कोई टिप हो, कोई नया बड़ा असाइनमेंट हो, मोटे प्रॉफिट वाला ऑर्डर हो, या फिर किसी ने आपको गिफ्ट में कोई शगुन या पैसे दिए हो, आपके काम बन जाते हैं। तो राइट इट डाउन कि आपके पास जब जरूरत होती है हमेशा पैसा आता है। सो दैट इज योर अबंडेंस स्टेटमेंट। हेल्थ की बात कर लेते हैं। हो सकता है आपको कोई सिकनेस हो, डिसीज हो, तो हेल्थ अबंडेंस में अभी नहीं है, वो आपने लैक में लिखा है, लेकिन आपके अभी भी पैर चल रहे हैं, आपकी आंखें अभी भी चल रही हैं, इसी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके कान अभी भी प्रॉपर फंक्शनिंग में है, तो आप लिखेंगे कि मेरी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन करती है। तो ये आपकी अबंडेंस की स्टेटमेंट है, जहां आपने अपने हेल्थ की कोई इश्यू लिखा, हेल्थ का कोई लैक लिखा। तो जो जो भी लैक की स्टेटमेंट्स आती हैं, थॉट्स आते हैं, उनको लिखा और उनकी काउंटर स्टेटमेंट आपने अबंडेंस की लिखी। और इसके साथ साथ आपने कंटिन्यू किया जो अभी तक कर रहे थे, आपने सरेंडर प्रैक्टिस किया है, आपने ग्रेटिट्यूड वॉक, हॉबी ग्रेटिट्यूड, जो भी चीजें इस सीरीज में अभी तक आप सीख चुके हो, उनको एवरी डे फॉलो और रेडी कर रहे हो, और इसी से आपकी लाइफ स्कैरसिटी माइंडसेट से अबंडेंस की तरफ चलती है। एक और चीज हम करेंगे, जब आप कोई पेमेंट्स करते हो, पेमेंट्स करते टाइम बुरा मुंह बना के या बुरा दिल बना के कि अब ये खर्चा आया, उस खर्चे को खर्चा ना मानकर हम लिखेंगे कि मैं, मेरी लाइफ में इतना पावर है कि मैं कोई भी पेमेंट्स बहुत अच्छे से इजीली एंड एफर्टलेसली कर पाती हूँ या कर पाता हूँ। और सच्चाई तो यही है, हमें पैसा खर्चने के लिए चाहिए। हमें दूध का बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है जिसको हम पूरा मंथ यूज करते हैं, घर का रेंट भरना है, घर की EMI भरनी है, जिस घर में हम रहते हैं हमारे पूरे परिवार को छत मिलती है, तो वो खर्चा कैसा, वही तो हम चाहते थे। अगर हम ये लोन लेकर घर ना लेते या रेंट पे घर ना लेते तो शायद सिर पे छत ही नहीं होती। तो हम इस लोन को या इस ओनर को दुश्मन दे ना देखकर उसको पॉजिटिव देखेंगे, और अगर हम इसको पॉजिटिव देखेंगे तो हमारी लाइफ में अबंडेंस की ही स्टेटमेंट्स आएंगी। वो रेंट भरते टाइम रेंट नहीं लगेगा, वो सिर पे जो छत है उसकी कॉस्ट लगेगी। सो अगर हम ये अबंडेंस का माइंडसेट रखेंगे तो अपना घर भी आ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, बिकॉज इट्स ऑल गेम ऑफ योर माइंडसेट, इट्स ऑल गेम ऑफ योर इनर स्पेस। सो इसी तरीके से इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। मेरी टीम को अभी तक व्हाट्सएप नहीं किया है तो प्लीज सेंड माय टीम दिस व्हाट्सएप, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू देम दैट यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज। मैं मिलती हूं किसी और वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय।